Good morning, yeah. Let's start. So actually we are doing while loop, right? तो while loop करते हैं या ये क्या है? अच्छा डिसीजन ट्री है, रात पकड़ा। चलो देखो यार, सो हम लोग while loop कर रहे थे और while loop में हम देख रहे थे कि जब हम वाइल लूप लगाएंगे कोई भी वाइल लूप यहाँ पे, तो कैसे इस वाइल लूप को फंक्शन करेंगे, है ना? ये वाइल लूप कैसे रन होगा और इसके आउटपुट को कैसे यूज करेंगे, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था इनपुट एक फंक्शन होता है, उसको कैसे कॉल करेंगे, राइट? ये हमने देखा था, है ना? तो चलो इसको ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इस पर इसी को इंपैक्ट करूँ और इसको देखने की कोशिश करते हैं हाउ इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग जस्ट अ मिनट। देखो एक चीज, मैं तुम लोगों को एक बात बताया था कि व्हेनेवर यू टेक इनपुट ना, व्हेनेवर यू टेक इनपुट इनपुट फ्रॉम यूजर, व्हाट हैपन, एक्स जो होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ये कल बताया था ना, ये स्टार्टे बताया था। अरे बाकी लोग यस नो बताया था ना, पता है कुछ लोग ना सोते रहते हैं क्लास में, है ना? तो बोलते नहीं है, और जो लोग सोते रहते हैं ना वो लोग बहुत होते हैं, उनको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, अटेंड रहेगा। ठीक है यार, अब देखो इधर आ जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मान लो अपन एक इनपुट लेते हैं, अब इनपुट लिया, मान लो मैंने डाला 10, बट एक्चुअली क्या है, ये तो स्ट्रिंग है। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग है भाई, ठीक है? लेकिन मान लो मुझे इसके ऊपर प्रोग्राम डालना होता तो मुझे तो पहले से पता होना चाहिए ना कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अब जैसे यूजर से तो 10 ले रहा हूँ, ये तो इंटीजर है, तो मैं तो प्रोग्राम इंटीजर कैसे बनाऊंगा, बट वो स्ट्रिंग निकल जाएगा तो काम करेगा नहीं। तो अपने को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, इस एक्स को चेक कर लेते हैं। मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स डॉट जो भी तुम्हारा इस डिजिट है, और अगर इस डिजिट यहाँ पर ट्रू आ गया इसका मतलब ये इंटीजर है। अब देखो अगर मैं यहीं पे इनपुट में क्या ले लेता हूँ, या तो रन करता हूँ और डालता हूँ इंडिया, अब इसको रन करो फॉल्स आ गया, तो हम इसी पे अपना एक कंडीशन डाल देंगे। इसका मतलब चलो एक काम करते हैं, एक ना कैलकुलेटर बनाते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा फंक्शन अभी नहीं पढ़ाया ना, फंक्शन तो पढ़ाया नहीं, तो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। चलो हमने कहा था इनपुट लेना है इंटीजर से, वैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं व्हाइल लूप पे, देखो राइट लूप, राइट लूप इंडिया एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यूजर वांट, जितने बार यूजर चाहता है उतने बार आपको इंडिया शो करना है। मतलब कल को यूजर बोले 10 बार इंडिया शो करो, 10 बार इंडिया शो होना चाहिए, 5 बार शो करो तो 5 बार इंडिया शो होना चाहिए, ठीक है? चलो करते हैं इसका। देख ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, है ना? अगर हम यूजर से चाहते हैं तो बस का वी हैव टू ठीक
सबसे पहले हमने यूजर से यूज करा दिया, करते हैं प्रिंट इंटर हाउ मेनी टाइम्स वन। अब उसको प्रिंट करा लिया, अब यहां से यूजर में इनपुट लेते हैं एक्स इज इक्वल टू इनपुट, यूजर से इनपुट ले लिया, मान लो इनपुट लिया 3 टाइम्स, तो हमारा इनपुट 3 टाइम्स चलना चाहिए। तो पहले तो हम चेक करते हैं ना कि एक्स है क्या, डिजिट है कि नहीं है, तो यहां बोलते हैं इफ एक्स डॉट, सॉरी एक्स डॉट इज डिजिट, राइट इज डिजिट, अगर ये एक्स इज डिजिट होगा है ना, इज डिजिट होगा ठीक है, तो इसको क्या करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और एक वाइल लूप लिखेंगे, वाइल के लेस देन एक्स, एक के वेरिएबल ले लो यहाँ पे और उसको 0 कर दो, और प्रिंट इंडिया के इक्वल टू के प्लस वन ठीक है, और यहां पर आके एल्स रहेगा, एल्स यूजर से बोलो प्रिंट, यूजर से बोलो राइट इंटीजर इंटर इंटीजर, अब देखो रन देखते हैं। जैसे मान लो पहले मैं इंडियन, मान लो मैं ए डाल दिया यहाँ पे, तो ए डालते इसने क्या बोला यार क्या करते हो भाई, अच्छा आई यहाँ पे आ गया, मान लो देखा ए, तो के क्या बोला इंटर इंटीजर है ना, पहले इंटर स्ट्रिंग प्लीज इंटर इंटीजर। अब देखो तो तुमने ए डाल दिया, तो क्या आ रहा है यू इंटर स्ट्रिंग प्लीज इंटर इंटीजर, क्योंकि इंटीजर डालोगे तभी तो उतने बार लूप, तो उतने बार इंडिया शो करूंगा। अब कोई कहेगा ए बार इंडिया शो करो, ए बार इंडिया कैसे होता है बता, बोलो नंबर बोलो ना कुछ, दैट्स व्हाई राइट ई इंटर यू इंटर स्ट्रिंग प्लीज इंटर इंटीजर। तो मैं इंटीजर रन, मान लो मैंने 3 डाला, देखो 3 बार इंडिया शो हो गया, मैं यहाँ पे 4 डाल, 4 बार इंडिया शो हो गया, गलती से मैंने ए डाल दिया, बोला यू इंटर स्ट्रिंग प्लीज इंटर इंटीजर। और वेट मिनट पॉइंट कैसे हमने बनाया, हमने पहले इनपुट लिया फिर चेक किया कि वो क्या है डिजिट है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है जब भी हम इनपुट लेते हैं जैसे बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग वो यहाँ पे पता है चेक करते हैं डिजिट है कि नहीं, अगर डिजिट है तो ट्रू आएगा, अगर ट्रू आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये अंदर जाएंगे क्योंकि ना इफ कंडीशन लगा देना, तो ट्रू हो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद पहले उस एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करूं कि वो स्ट्रिंग था, हमें पता चल चुका था कि वो डिजिट है, बट उसको इंटीजर में तो कन्वर्ट करूं ना, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल लूप चलाया कहां तक, जहां तक वो नंबर डाला था, ये 0 लिया, ये तो कल ही बनाया था व्हाइल लूप रन करना और उसी को लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ तो एल्स क्या करो, बोलो कि भाई आपने जो डिजिट है वो आपने गलती से स्ट्रिंग डाल दिया है। अब कोई बोलेगा ए बार इंडिया शो करो, तो बात ही नहीं बनता, बी बार इंडिया शो करो पॉसिबल नहीं है, नंबर दो ना, इसलिए मैंने लिख दिया इंटर स्ट्रिंग प्लीज इंटर इंटर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ, क्लियर है ये, से यस वेरी गुड कार्तिक, बाकी लोग दिव्या आपको क्लियर है ठीक है, दिव्या आपको ठीक है, अगर क्लियर है आप लोग तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्लियर है चलिए क्वेश्चन लगे,
क्या होगा, यूजर एक नंबर देगा, यूजर विल गिव नंबर। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अगर वो इंटीजर है सो द टेबल, और अगर वो स्ट्रिंग हो जाए, मतलब मान लो वो स्ट्रिंग दे दिया है, देन आस्क और इंटीजर। पूरी तरह इस क्वेश्चन को समझ, तो कितना सिंपल है। क्लास के बाद यू गाइस ना रिवाइज नहीं करते, इसलिए जो है ना वो यहाँ बोल दो इंटर इंटीजर। क्लास के बाद मैं बार बार बोलता हूँ कि एकदम जिसको भी सीखना है और जिसको लगता है मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, रियली में नहीं आती, वो क्लास तुरंत खत्म होने के बाद उठो ही मत, तुरंत बैठे रहो 20-30 मिनट, और जो जो क्वेश्चन कराए उस क्वेश्चन को कर लो एक बार खुद से, और डाउट है तो लिखो, नेक्स्ट डे पूछो। नहीं मैं 100 बार बोलता हूँ बट सुनता कोई है नहीं। एक्चुअली मैं केवल क्लास करने से प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा बैठ के, है कि नहीं? नहीं करोगे तो नहीं कर पाएगी। सौरभ अभी समझ में आया क्या? सौरभ दीक्षा वो तो पूछो कि क्या दिक्कत हो रही है ना, ऐसे बोलोगे नहीं बना तो समझ में नहीं आएगा, पूछो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सौरभ अभी अभी समझ में आया? दीक्षा आपका क्या है? दीक्षा अगर नहीं बन पा रहा है प्लीज आस्क, डोंट थिंक कि बाकी लोग कर रहे हैं। कई लोग क्या होता है पढ़ लिए होते पाइथन पहले से भी, तो डोंट थिंक कि यार दूसरे कंपेयर नहीं करना, अपना पूछना है। और मैं ऑलवेज सेड कि कोई कोई पूछेगा तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से बता रहा हूँ, लिखते बता, ठीक है? इफ समवन इज आस्किंग डाउट नो वन विल आस्क कि इतना स्लो क्यों जा रहा है, कुछ भी ये किसी को अधिकार नहीं है, कोई पूछेगा मैं एकदम स्लो पढ़ाऊंगा, मेरा टीचिंग का स्टाइल है। जिसको लगेगा स्लो है उसके लिए अलग बैच है, उसमें आ सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे लो इनपुट, इनपुट लो यहाँ पे, चेक करते हैं डिजिट है कि नहीं। देखो क्योंकि अगर तुम देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्योंकि ये जो अगर 3 डालो या 1 डालो, ये तो दोनों को स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि वो स्ट्रिंग डिजिट है कि नहीं है। तो लेट्स चेक इट, इफ एक्स डॉट इज डिजिट, राइट? चेक कर लिया वो डिजिट है क्या, अगर डिजिट है तो टेबल प्रिंट करेंगे एक्स का, और एक्स डिजिट होगा तो एक्स का टेबल प्रिंट करेंगे। टेबल प्रिंट करना कल ही बताया था, गेज इक्वल टू 1 लेते हैं व्हाइल के लेस देन 11 लेते हैं, और फिर यहां प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई के, गेज इक्वल टू के प्लस 1, एल्स क्या करते हैं यहां पे प्रिंट इंटर क्या इंटीजर डालो। देखो 2 आया तो 2 का देखो टेबल आ गया, ये कैसे हो रहा है भाई? क्या गलती हुई? सॉरी, हाँ टीचर को इससे एक्स को इंटीजर नहीं बनाया, थैंक यू। हाँ देखो आ गया, फिर डालो तो 3 का टेबल आ गया, 4 डालोगे 4 का टेबल आ जाएगा, पर सिंपल, सो सिंपल। बताओ जी किसको दिक्कत है इसमें? व्हाइल लूप में एनी प्रॉब्लम एनीवन? दिव्या अभी बना दीक्षा, कार्तिक क्या नो क्या क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ नो किस लिए, क्लियर है नहीं है क्या है कार्तिक? नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू दीक्षा। सौरभ सौरभ में आया, डन वेरी गुड, ठीक है। किसी को लगे कि समझ में नहीं आ रहा जस्ट लेट मी, बिकॉज यू आर वेरी स्टार्टिंग फेज, को कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बट हाँ स्टार्टिंग फेज पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और टफ टफ। देखो लूपिंग में बताया हूँ
कॉल पे जब हम सेंड करियो तो देखो बहुत लॉजिकल होता है, थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, जब फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहा होता है ना फर्स्ट टाइम, उसके लूपिंग थोड़ा टफ है। देन आफ्टर एवरीथिंग विल बी फाइन इफ यू आर गुड इन कंडीशन एंड लूपिंग ना, एवरीथिंग विल वेरी स्मूथ। इसलिए मैं ज्यादा टाइम देता हूँ लूपिंग कंडीशन, क्योंकि लूपिंग कंडीशन में यू आर एबल टू बिल्ड अ लॉजिक। चलो यार चलो राइट लोग, क्या करना है आपको, एक प्रोग्राम लिखिए, यूजर से दो इनपुट लीजिए, ठीक है, दो इनपुट लीजिए और शो करिए सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों चीज। तो मैं इसमें लूप नहीं लिख रहा है, तो लूप की जरूरत ही नहीं है, विदाउट लूप ये बनेगा क्वेश्चन। प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन। एक्स मल्टीप्लाई वाई और डिविजन क्या करना था, प्रिंट एक्स डिवाइड वाई। अब बताओ क्या इसमें ऐसा है जो तुम लोग कंफ्यूज में आ गए। इट्स सो सिंपल ये है ना, अगर तुम यहाँ पर अगर नहीं लिखते तो चेक कर लेते बाद में, बस इतना फर्क पड़ता, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। तब क्या तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए, इसलिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि तो इससे इजी तो क्या ही हो सकता है। ठीक है क्वेश्चन समझना है ना, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, इट्स वेरी इजी। मे बी यू गाइस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू, बट इट्स वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही। आप लोग घबरा गए हमसे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है जी, तो देखो अगर हम अभी तक एक बार रिकैप करें, रिकैप बहुत जरूरी है, रिकैप बहुत जरूरी है। देखो हमने देखा पहले तो मेमोरी कैसे मैप करते हैं, हमने देखा कि इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सम कैसे करेंगे पाइथन के अंदर, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था, है ना। डिवीजन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और मैंने इसमें आप लोगों को एक तरीका बताया था डिवीजन में कि रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे, और है ना, पर से जो रिमाइंडर है और एक क्या होता है, अरे ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 2 6 1, ये रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। तो क्वोशेंट कैसे निकालते हैं ये बताया था, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं परसेंटेज से, और एक क्वोशेंट कैसे निकालते हैं ऐसे, क्या बोला तो, और उसके बाद हमने फिर क्या देखा, हम थोड़ा और आगे बढ़े, हम लोगों ने कंडीशन देखा, राइट, हाउ टू डू कंडीशन, कंडीशन कैसे लिखते हैं, कैसे इफ लिखते हैं, सॉरी इफ कैसे लिखते हैं, एल्स कैसे लिखते हैं, इलिफ कैसे लिखते हैं अगर एक से अधिक कंडीशन हो, एंड भी कंडीशन में कैसे, कंडीशन में एंड लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और लगाएंगे कंडीशन में तो क्या फर्क पड़ेगा, सब देखिए। इसके बाद हम लोगों ने फिर लूपिंग स्टार्ट करी, लूपिंग में हमने शुरुआत करी थी फॉर लूप से। इस फॉर लूप को हम लोगों ने बीच में रोक दिया था, कुछ एक रिकॉर्डिंग थी तो छूट गई थी, आज वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं फ्री हूँ, आज मैं कर दूंगा, अभी करूंगा क्लास के बाद ही। और एक तुम्हारा व्हाइल लूप हमने देखा,
वाइल लूप भी हमने पढ़ लिया, वाइल लूप में हो गया था उधर समझ में आया आप लोग कहते वाइल लूप लिखते हैं ठीक है। फॉर लूप में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक बार एक मैंने आप लोग को मेरे अपनी पीडीएफ भी शेयर करी है ना फॉर लूप की, मतलब कपिल ने शेयर करी है वो मेरी पीडीएफ है ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ट्राई मार सकते हैं, बट अभी आप लोग शायद ना कर पाओ ये फॉर लूप डिटेल मैंने पढ़ाया नहीं है, स्टिल आई विल टीच मोर इन डिटेल ठीक है। ये ओवरऑल रिकैप है ना, यहाँ तक हमने करा है, किसी को इसमें किसी भी पॉइंट पे कहीं भी डाउट है कुछ, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज जिसमें लगता है कि यार ये वाली बात नहीं समझ में आई, ये वाली बात नहीं समझ आई, किसी को कहीं भी दिक्कत है वो समझे वो आप, नहीं दिक्कत है तो एक कुछ और बताइए। देखिए आज शाम को आज 8 बजे 8 PM पे आई विल शेयर द लिंक इन योर ग्रुप, यू कैन ज्वाइन विद दैट लिंक ठीक है। बट सबको ज्वाइन नहीं करना है, उसी को ज्वाइन करना है जिसको डाउट है। और कहाँ डाउट है, इसमें कहीं भी, अगर आपको लगता है यहां तक में कोई भी डाउट, और लोग छोड़ दें और लोग यू विल डू दैट, इसमें अगर किसी को ज्वाइन डाउट है तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आज पूरा दिन है, आप एक बार वापस से रिवाइज कर सकते हो सारा चीजें, और आपको लगता है कि और कहीं भी कोई डाउट बन रहा है अपने नोटबुक में लिखिए, 8 बजे ज्वाइन करिए क्लास और अपने डाउट को पूछिए, सिर्फ सिर्फ डाउट के लिए क्लास। एनीवन एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड, आप ये नहीं पूछना है कि सर आप क्या खाना खाते हो, ये सब नहीं, फालतू टाइम नहीं मेरे पास, ये सारी चीज इसको छोड़ दो, ये भी पढ़ना है, इसमें से रिलेटेड कोई भी चीज आप पूछो ठीक है जी। किसी को डाउट है बोलो,